हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सैनिक स्कूल से टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, TGT की पोस्ट रहने वाली है, सैलरी 50,000 यहाँ पर दी जाएगी। साथ में यहाँ पर आवास की सुविधा भी दी जाती है क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, और भी कई सुविधाएँ जो है टीचर्स को यहाँ पर मिलती है। सभी राज्यों के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। 50,000 बिल्कुल फिक्स्ड सैलरी जो है यहाँ पर मिलने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। TGT सोशल साइंस की वैकेंसी आई है, उसके बाद TGT हिंदी की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो सभी में 50,000 ही रहेगी। PTI की वैकेंसी है, मेट्रोन की वैकेंसी है, यहाँ पर 50,000 फिक्स्ड अमाउंट। उसके बाद जो है यहाँ पर नोट में जो है ये आपको नहीं देखना है क्योंकि दो वैकेंसी थी काउंसलर और नर्सिंग सिस्टर की, ये पहले का विज्ञापन में जारी की गई थी, तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से जो है इनको कैंसिल किया गया है। अभी फिलहाल जो है हम बात करेंगे PTI की वैकेंसी, काउंसलर की वैकेंसी, TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस की, ठीक है। तो सभी में जो है फिक्स्ड सैलरी रहेगी। वैकेंसी जो है कहाँ से है, सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन TGT के टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। दो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। बीएड साथ में चाहिए, और साथ में जो है सीटेट भी जो है क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके राज्य का अगर टेट क्वालिफाई है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल टेट और स्टेट टेट दोनों ही जो है यहाँ पर चलेंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना रहेगा। 21 से 35 वर्ष जो है यहाँ पर उम्र कही गई है। यहाँ पर जो है TGT के लिए एक सीट है OBC की। हिंदी के लिए कहा गया है ग्रेजुएशन, साथ में जो है बीएड और सीटेट या एसटेट, स्टेट टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 21 से 35 वर्ष इसमें भी जो है ये उम्र रहेगी। काउंसलर के लिए MA या MSc साइकोलॉजी में, साथ में रेगुलर बेस पर आपने 1 ईयर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पर, या फिर MA, MSc, MCOM आपने किया है, MEd, BEd क्वालिफाई किया है, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट का जो है डिप्लोमा है अगर आपके पास करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किया है केवल साइकोलॉजी में और आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PTI के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED 4 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन के साथ में 1 साल का BPED डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर BPED डिप्लोमा वाले भी जो है एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी, मेन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सही से भर लेना है, और साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी आपको लेनी है, अटैच करनी है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 500 रुपीज़ का, जनरल OBC एंड अदर कैंडिडेट को। साथ में SC ST को जो है 250 रुपये का बनवाना होगा। और आप किस नाम से बनवाएंगे, तो यहाँ लिखा है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, और पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोशाला ब्रांच, IFSC कोड दिया हुआ है, ब्रांच कोड दिया हुआ है, ठीक है। एड्रेस जो आपका रहेगा, जो एनवलप के ऊपर आप लिखेंगे, तो ये यहाँ पर जो एड्रेस पूरा दिया हुआ है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, PS बोरला, ये पूरा जो है यहाँ तक रहेगा, पिन कोड तक। 2 फरवरी से पहले जो आप लोगों को भेजना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो ये सिलेक्शन के लिए जो है बिल्कुल रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा। जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करने के लिए जो है मेन वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जाएंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको दिखाया जाएगा, रिटर्न टेस्ट होगा फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में क्लास डेमो रहेगा, फिर इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई। अब चलिए सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर चलेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। मेन वेबसाइट पर आप लोगों को सबसे पहले रेड में ये दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्प्रेरी पोस्ट, उसके बाद में ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म न्यू 2024 इस पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट रहा। इसे ही जो है डाउनलोड करके अगर आप
चाहते हैं भेजना तो आप भेज सकते हैं समय से पहले, 2 फरवरी से पहले। तो जिस भी राज्य की वैकेंसी आएगी शिक्षक से जुड़ी, बिल्कुल आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस बनते हैं समय पर सूचना आपको मिल सके। थैंक यू।